नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुरू होते ही दीपों के पर्व दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित ये महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है। इस महीने में खास तौर पर तुलसी, शालिग्राम और दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हर साल भगवान राम के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर दीपावली के मौके पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है, और इस सवाल का जवाब शायद बहुत कम ही लोगों के पास होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इसी दिन घर में प्रवेश करती है। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। के साथ अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन महालक्ष्मी का जन्म दिवस होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का पूजन क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि इसके पीछे बैरागी साधु की कथा भी प्रचलित है। दरअसल एक बार एक बैरागी साधु को राजसुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे दिन वह बैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबारी गण उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकला। फिर क्या राजा ने इसे साधु का चमत्कार समझकर उसे अपना मंत्री बना दिया व उसे रहने के लिए अलग से महल भी दिया। इसी तरह फिर एक दिन उस साधु ने राजा की अनजाने में जान बचाई और ऐसे साधु को वाहवाही मिली। इससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया। इसके बाद अहंकारी साधु ने भगवान गणेश की प्रतिमा को बुरा बताते हुए महल से उसे हटवा दिया। फिर क्या, बुद्धि और विवेक के दाता भगवान गणेश उससे नाराज हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई, वह उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। फिर माँ लक्ष्मी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने वैसा ही किया, जिससे भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस तरह लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी घर में आ भी जाए तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इस प्रकार दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से। हैप्पी दिवाली।